मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चाट पापड़ी किसे पसंद नहीं होती है? सभी को पसंद होती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, सभी लोगों को चाट पापड़ी खाने का बहुत ही शौक रहता है। आज हम पापड़ी चाट बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार होगी और चाट आप देखिए कितनी मजेदार बनेगी कि मुंह में पानी आ जाएगा। चलिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी पापड़ी। इसके लिए कोई भी इस तरह का बड़ा परात ले लेंगे, कोई भी बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें आप आसानी से आटा गूंथ सकें। इसमें डालेंगे हम एक कप मैदा, एक कप मैदा ले लें, कोई भी ब्रांड का आप मैदा ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/3 स्पून नमक, छोटा चम्मच लेंगे उसका भी 1/3 स्पून लेंगे, तो 1/3 स्पून हम नमक डालेंगे। ज़्यादा नमक इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम डालेंगे घी, देसी घी डालेंगे 1 चम्मच, पिघला हुआ नहीं है आप देख सकते हैं, इसी तरह से हमने ले लिया, तो ये डालेंगे, बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो है पापड़ियाँ हमारी क्रिस्पी होंगी। सारा निकाल लेते हैं इसमें से और इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं आप डालडा डाल सकते हैं, आप डालडा भी नहीं डालना चाहते हैं तो जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं रिफाइंड ऑयल आप वो इसमें डाल लें। अगर घी डाल रहे हैं तो 1 चम्मच डाल लें भरकर, और अगर रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं तो 1.5 स्पून जो है आप रिफाइंड ऑयल का डाल सकते हैं। तो अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमारा जो घी है मिल चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे पानी और एक डो बना लेंगे। हमने पतला डो नहीं बनाना है, इसका जो है हम सख्त डो बनाकर ही रेडी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि एकदम से अगर ज़्यादा पानी पड़ गया तो हमारा जो आटा है वो पतला हो जाएगा। तो हमने जो है इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसीलिए हाथ में लेकर पानी डालेंगे, डायरेक्ट जो है पर हाथ में पानी नहीं डालेंगे। आटा हमने गूंद कर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से सख्त आटा हमने गूंदा है, बहुत नरम आटा हमने नहीं गूंदा है। जितना परौंठी के लिए यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। इस पर हम लगा देंगे थोड़ा सा घी इस तरह से और एक बार इसको मसल लेंगे। हल्का सा ही हम लगाएंगे इसमें घी। इस तरह से हम इसको ढककर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा जो है सेट हो चुका है, इसको इस तरह से मसल लेंगे 2 मिनट के लिए। ये आटा हमने मसल लिया, 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितना स्ट्रेचेबल हो गया, ये देखिए स्ट्रेच कितना कर रहा है। इसी तरह का आटा हमें चाहिए, इसी तरह, ये देखिए इसी तरह का आटा हमें चाहिए। तो आटा तैयार है, अब इसकी हम लोई तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो 3 लोई हमने इसकी जो है निकाल लेनी है, इस तरह से 3 लोइयाँ निकाल लेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से, तो एक हम उठा लेंगे और बाकी 2 ढककर रख देंगे साइड पे। अब हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे इस तरह से और इस तरह से अपनी बॉल को दबाएंगे इस तरह से, लोई को इसको बेल लेंगे, बिल्कुल पतला बेलेंगे इसको, इस तरह से पतला पतला बेल लेंगे। जितना पतला बेलेंगे उतनी पापड़ी हमारी करारी बनेगी। तो लीजिए हमने इस तरह से इसको बेल कर तैयार कर लिया, देख सकते हैं इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला और मोटा तो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए ही नहीं है। तो इसी तरह का देखें। अब हम कोई भी ढक्कन ले लेंगे, किसी भी बॉटल का कोई ढक्कन हो आपके पास हो या कटोरी हो छोटे साइज की, तो इस तरह से इसके गोले काट लेंगे इस तरह। तो लीजिए इस तरह से हमने गोले काट लिए हैं। अब हम कोई भी एक फोक लेंगे और इस तरह से इस पर लगा देंगे ताकि ये फूल ना पाए, क्योंकि हमने इसकी पापड़ियाँ बनानी है, गोलगप्पे नहीं बनाने हैं। तो ये तैयार हो गई, इसको एक्स्ट्रा जो है निकाल लेंगे और ये उठाकर किसी भी प्लेट में रख जाएंगे। सारे हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए सारे हमने पापड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप। रिफाइंड ऑयल हमने गैस पे रख दिया है, गर्म हो चुका है, इसको हल्का हल्का गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे इसको, और इसमें एक एक करके जो है अपनी ये पापड़ियाँ डाल देंगे। जितनी आपकी एक बार में फिट आए आप उतना ही डालें। गैस के अपने बिल्कुल हल्का रखें, हमने इसको तब तक रखना है जब तक ये हल्की गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, जैसे आपने देखा होगा पापड़ी का कलर होता है उस तरीके का कलर, लेकिन हल्की गैस पे करेंगे तो अच्छे से करारी हो जाएगी। अब देख सकते हैं पापड़ियाँ जो है हमारी ऊपर को आ गई हैं, इसको हिला लेंगे इस तरह, सारी इसी तरह से ऊपर नीचे करते रहेंगे लेकिन गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखेंगे और हल्की गैस पर लगातार हिलाते हुए इसको उलट पुलट करते हुए हमें इसको गोल्डन ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं कलर से कितना किस तरह से चेंज हो रहा है,
इसी तरह से हम बनाते रहेंगे इसको हल्की फ्लेम में, हल्की फ्लेम में इसी तरह से उलट पुलट करते हुए। अब देख सकते हैं बिल्कुल बराबर का कलर आएगा। थोड़ा सा इसको कलर जो है थोड़ा सा और डार्क करेंगे जब तक कि हल्की थोड़ी और क्रिस्पी ना हो जाए। हल्के फ्लेम में जितना आप बनाएंगे उतनी ज़्यादा बढ़िया बनेगी, उतनी क्रिस्पी बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसे पापड़ी आपके बनकर तैयार। आप देख सकते हैं कलर इसका बहुत ही बढ़िया कलर आया है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, साइड पे रखते हुए सारा इसका और एक्स्ट्रा ऑयल जो है नीचे निकालते हुए अच्छे से, फिर इसको किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। कि जब हम थोड़ी ठंडी इसको कर लेंगे तब इसका कलर जो है आप देखेंगे थोड़ा सा और भी डार्क हो जाएगा। सारी हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है। तो लीजिए सारी पापड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है। अब देख सकते हैं इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम जो है पापड़ी बनाएंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं बनाना अपनी पापड़ी। हमारी पापड़ियाँ सारी ठंडी हो चुकी हैं, एक लेंगे प्लेट जिसमें हमने सर्व करना है, इसमें डालेंगे पापड़ियाँ अपनी, जितनी आप चाहते हैं एक बारी में उतनी डाल सकते हैं। दस बारह पापड़ियाँ मैं डालूंगी इसमें इस तरह से। अब बाजार से भी लेते हैं तो इसी तरह से उसमें पापड़ियाँ डली होती हैं दस बारह। इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू, ये हमने बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया, ये डाल देंगे इसमें इस तरह से हाथ के साथ डाल लें ताकि अलग अलग जो है सब जगह थोड़े से डल जाएँ। बहुत ज़्यादा नहीं इनको डाला जाता है, थोड़े से आलू डालेंगे इस तरह से। आलू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक ताकि इसमें फीकापन ना रहे, हल्का हल्का काला नमक डालेंगे इसमें। अब हम इसमें हम डाल देंगे दही, ये दही है इसको हमने अच्छे से जो है फेंट लिया है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी लम्स नहीं है, तो ये इसमें डाल देंगे। इस तरह से सब जगह दही आ जाए, दही इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो लीजिए दही हमने डाल दिया इसमें, काला काला दही लें, पतला दही ना लें, काला दही इसमें अच्छा लगता है। तो एक बार हम दही डाल दें उसके बाद हम डालेंगे इसमें मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल में है, आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगी। ये मीठी चटनी जो है इसमें इस तरह से डाल देंगे, ये भी आप अपने मनपसंद के हिसाब से जितनी डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा और काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक इस तरह से, थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला इसमें ज़रूर डालें, इसका टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आता है चाट मसाले का। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे लाल देगी मिर्च थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा तीखापन लेकर आएगी और मज़ेदार सी चाट बनाएगी हमारी। लास्ट में हम इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हरा धनिया, हरा धनिया से बहुत ही सुंदर लगता है ये, और हल्का सा ग्रेटेड हम इसमें अदरक डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो लीजिए बहुत ही बढ़िया बाजार जैसी पापड़ी बनकर तैयार हो गई। बाजार जाकर खाने की अब आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घर पे आप बनाकर इसको रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, तो लंबे समय तक ये बिल्कुल ठीक रहती है। अब जब आपका मन हो पापड़ी खाने का निकालें और इस तरह से बनाएं, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। पसंद आ रही है रेसिपी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोज की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हर रोज मेरी वीडियो 12 बजे पड़ती है। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।